जैसे आपने अभी जो एंड किया बाबू लेक्चर, आपने बताया कि एक बार नाम लेने से भगवत हम मतलब भक्ति भगवान प्राप्त हो जाते हैं, उसका प्रमाण आप बाद में देंगे, तो मुझे वो नाम शुद्ध नाम होना चाहिए या नाम आवाज ना, कैसा नाम होना चाहिए? जैसे कोई भी जैसे चोर है, कोई भी मर्डर है, वो एक बार हरे कृष्णा बोल दे तो उसका भी वही मतलब, जैसे एक नाम लेने से हम हमें भगवान प्राप्त हो जाते हैं, तो ये एक नाम हमारा शुद्ध नाम होना चाहिए, कोई भी नाम चलेगा? नहीं, शुद्ध नाम ने नामाभास से काम हो जाता है, शुद्ध नाम की जरूरत नहीं पड़ती, नाम के आभास से काम हो जाता है और भगवान प्राप्त नहीं होते, लेकिन पापों से व्यक्ति बच जाता है, जो पापों का फल है वो उसको भोगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर तो भगवान उसे वही दंड देते हैं जो उसकी भक्ति के लिए श्रेयस्कर हो। लेकिन सावधानी ये बरतनी है इसमें कि ये अनजाने में होगा तो बात ठीक है, जानबूझ के करेगा तो वही नाम अपराध हो जाएगा, फिर तो हरि नाम प्रभु उसको खुद छोड़ के आएंगे वहाँ पर नरक के द्वार पर कि जा भाई तूने मेरे ही, मैं तेरे फायदे के बारे में सोच रहा हूँ, तूने मेरा ही मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, तो फिर कैसे बात बनेगी? ओके, जैसे आप सब भक्त हो ना, आप पे नहीं चलेगा ये आप लोगों को पता चल गया ना, अब आप नहीं कर सकते ये काम, अब तो आपको बहुत सावधानी से भक्ति करनी पड़ेगी, पाप से बच के रहना पड़ेगा, तो ही आपका कल्याण है। अगर आपने किसी ने पाप कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम है, भगवान बोलेंगे सुधर ही नहीं रहे, आपको इतनी सुविधा दे दी, इतना सब नॉलेज दे दी, भक्तों का संग दे दिया, फिर भी आप वैसे के वैसे ही हो, ये भगवान तो जानते हैं हमारे बारे में, वो तो जानते हैं कि इनको नॉलेज मिलने पर भी ये फिर भी प्लान करके करेंगे ऐसा काम, वो तो भगवान को मालूम ही है कि हम इतने अधम है कि आफ्टर गेटिंग नॉलेज ऑल्सो वी विल मेक प्लान और हम नाम के बल में पाप तो करेंगे, मतलब तो वो तो भगवान इट्स मतलब जानती है, तो इसका कोई निवारण नहीं है कि वो मतलब ऐसे लग रहा है कि पता लग के और भी मुश्किल में पड़ गए हम, जब पता नहीं था तब तो हमारे पास एक्सक्यूज था कि पता नहीं है, अब पता भी लग गया हमें तो ये तो और भी डेंजरस सिचुएशन हो गया हमारे लिए कि हम हमें बहुत सतर्क करना पड़ेगा, पर प्रभु हम इतने गिरे हुए हैं ना कि आपने बता भी दिया, हमें वार्न भी कर दिया, फिर भी हम करेंगे मतलब मैं तो करूंगा फिर भी बाबू जी, मतलब वो तो भगवान भी जानते हैं कि वी आर सो नराधम है बाबू जी हम लोग, तो इसका कोई कंसेशन नहीं है, मतलब भगवान हमें कोई एक्सक्यूज नहीं करेंगे, चलो हजार बार माफ, भगवान ने शिशुपाल को भी 100 बार तो माफ कर दिया बाबू जी, हमें भी तो ऐसे माफ कर देते होंगे। इसका देखो इलाज एक ही है इसका, कि पूरी सावधानी से भक्तों का संग लो, भक्तों से मार्गदर्शन लो और अपने जीवन में भोग को घटाओ, सेवा को बढ़ाओ, तो जाके बात बनती है। नहीं तो मतलब अगर हम जैसे जीवन बिता रहे हैं वैसे ही बिताते रहेंगे तो कैसे बात बनेगी? ये सारे इन प्रवचनों का डिस्कशंस का गोल क्या है? गोल तो यही है ना कि हम अपने जीवन में चेंजेस लेके आएंगे, अगर हम अपने जीवन में चेंजेस ही नहीं लेके आए तो फिर कैसे बात बनेगी? हम में से हर एक भक्त को सामने से विशेष प्रयास करना चाहिए कि हम आप अपने मन में चेंज लेके आए, उसको अपने जीवन में चेंज लेके आए, तो मतलब बात करने का फ़ायदा है ना, नहीं तो सुना फिर वैसे के वैसे, सुना फिर वैसे के वैसे, तो फिर तो मतलब क्या पॉइंट है फिर कैसे जब तक मतलब पहले ट्राई तो कर रहे हैं बाबू जी, अब मतलब अब पहले तो ये था कि कोई गलत काम करते थे पता नहीं था ये गलत है सही है, पर अभी हमें ये तो पता लग गया कि ये चीज़ गलत है, पहले ये भी नहीं मानते कि ये गलत कर रहे हैं, पहले मानते थे ये सब नॉर्मल है। हाँ, वो तो प्रभु कोई क्वेश्चन ही नहीं है, जो जिसने एक बार माला पकड़ ली वो अब वो पिछला जीवन थोड़ा ना बिता सकता है, अब तो वो लाइफ में चेंजेस लेके आएगा ही आएगा, उसको खुद ही भगवान प्रेरणा देंगे, डिवोटीज उसको प्रेरणा देंगे, हेल्प करेंगे, वो लेके आएगा चेंजेस अब वो अपने आप ही, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि
मतलब हमने सुन लिया, पढ़ लिया, चैंटिंग कर रहे हैं, जीवन में चेंजेस नहीं लेके आए तो पॉइंट क्या है? मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप या दूसरे भक्त अपने जीवन में बदलाव नहीं लेके आ रहे, डेफिनेटली लेके आ रहे होंगे, बट हमारा फोकस उस पर रहना चाहिए। वो बदलाव कोई सिग्निफिकेंट नहीं, जैसे प्रभु जी जैसे मुझे गुस्सा बहुत आता है तो वो गुस्से में कोई चेंज नहीं है अभी तक भी हॉट टेम्पर जो है प्रभु जी मेरा, तो वो टेम्पर वैसे का वैसे ही बना पड़ा है, क्योंकि जो हमारे घर वाले हैं ना वो हमें बता सकते हैं कि हम सुधर रहे नहीं सुधर रहे। आपके सामने तो मैं बहुत ही हम्बल रहूंगा, मिल गया आपकी ना प्रभु जी करूंगा, पर जो घर वाले हैं ना प्रभु जी वो मुझे लगता है वो सही बता सकते हैं कि आप रियली इम्प्रूव कर रहे हो नहीं कर रहे, तो घर में तो हम कोई फॉर्मेलिटी करते नहीं है, तो फीडबैक मेरे घर से यही आता है कि आप भक्ति करते हो, आपके गुस्से में गुस्से आपका वैसे का वैसे ही बना पड़ा है। तो मैं इस संदर्भ में बात बोल रहा था प्रभु जी। नहीं, घर वालों की फीडबैक कभी मत लो, घर वाले हमेशा आपको मिसगाइड करेंगे। उनको एक बंधुआ मजदूर मिला हुआ है, वो भागने की तैयारी कर रहा है, तो वो उसको फैसिलिटेट थोड़े ना करेंगे कि चल तू भाग जा, वो तो उसको बांधेंगे ना। आपने अगर फीडबैक लेनी है तो फीडबैक आप डिवोटीज की लो, फीडबैक आप सीनियर वैष्णवों की लो, वो बताएंगे। और प्लस हम लोग अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ही नहीं रहे, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कृष्ण अर्पित प्राणस पुरुष निषेवया, कि हम तो भगवान को संतुष्ट करने की बात कर रहे हैं, वो ये वाले जो सद्गुण हैं ये अपने आप आते रहेंगे, जब तक हम इन पर फोकस करते रहेंगे प्रॉब्लम है। हमने फोकस करना है भगवान को, गुरु को, वैष्णव को संतुष्ट करने के लिए, ये वाले सद्गुण अपने आप आते रहेंगे, हमें परवाह नहीं है कि हमें गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे कोई रेलिवेंट ही नहीं है ये बात, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता। आप ये बताओ कि आप सर्विस बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे, इस पे फोकस लेके आओ। वो क्रोध आ रहा है नहीं आ रहा, और आप गलत लोगों से फीडबैक मत लो, फीडबैक लेनी है तो गुरु से सीनियर डिवोटी से फीडबैक लो, उससे बात बनेगी आपकी। गुरु जी हमें कैसे पता चलेगा कि शुद्ध नाम ले रहे हैं हम या नाम अपराध ले रहे हैं? हमें कैसे पता चलेगा हम तो कुछ लेते हैं नाम? हमें कैसे पता चलेगा कि हम शुद्ध नाम ले रहे हैं या हम नामाभास ले रहे हैं या हम अपराध युक्त नाम ले रहे हैं? तो आप देखिए, अगर मन में भोग करने की इच्छा घट रही है आपकी, तो इसका मतलब है कि नाम अभास की तरफ जा रहे हो। अगर भगवान का नाम लेने में रुचि बढ़ रही है, अब आप 16 माला तक सीमित नहीं रहे, आप भगवान का नाम ले रहे हो, वैष्णवों की गुरु की सेवा करने के अंदर रुचि आ रही है, आप में विनम्रता अपने आप से दिख रही है, दूसरे भक्त आपकी सेवा को देख कर प्रसन्न है, तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो। अगर भक्त प्रसन्न नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है उसके अंदर, तो फिर आप गुरु से वरिष्ठ वैष्णव से पूछिए कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है। एक्चुअली हम लोग पूछते भी तो नहीं है ना, हम लोग हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम एक बार भक्ति में जुड़ गए फिर तो ऑटोमेटिक रूट पे चले जाते हैं, हम नहीं पूछते कि जी हम आप प्लीज़ बताइए। हम लोगों ने आप सब अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि हमने आखिरी बारी कब पूछा था भक्तों से कि आप प्लीज़ बताओ मैं हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, हम उसको सुधारते हैं, क्या करना चाहिए? कोई पूछता ही नहीं है, सब अपने अपने ढर्रे पे चलते रहते हैं, जो पूछता आगे बढ़ जाता है, बात ही है। तो आप बार बार पूछिए, बार बार परामर्श लेते रहिए वरिष्ठ वैष्णव से, वो आपको गाइड करते रहेंगे, वो बताएंगे कि आपका चैंटिंग ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, या आपकी सर्विस ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, उनसे डिस्कस करेंगे, वो आपको क्लियर कर देंगे आपको।